लगातार बढ़ती आबादी पर काबू करने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने बड़ा कदम उठाया। हेमंत बिस्व सरमा ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों की नीति को लागू करने का फैसला किया है। मतलब कि जिसके पास दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। शर्मा ने ये कदम बेतहाशा बच्चे पैदा करने की होड़ में लगाम लगाने के लिए उठाया है। असम सरकार की नई नीति के मुताबिक कर्ज माफी या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए ये अनिवार्य होगा। कुछ विशेष समुदायों को दो बच्चों की नीति से फिलहाल छूट दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के अनुसार चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर फिलहाल ये नीति लागू नहीं होगी। असम सरकार ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों की नीति सबके लिए अनिवार्य होगी। सभी समुदायों पर इसे लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि दो बच्चों की नीति असम में चल रही सभी योजनाओं पर तुरंत ही लागू नहीं होगी, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास जैसी योजनाओं में ये नीति फिलहाल लागू नहीं होगी। बतौर मुख्यमंत्री 30 दिन पूरा होने पर 10 जून 2021 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने गरीबी कम करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से आबादी कंट्रोल करने को कहा। उन्होंने कहा था कि गरीबी का मुख्य कारण लगातार बढ़ती आबादी है। उस समय AIUDF के विधायक हफीज रफीकुल इस्लाम ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा था कि सिर्फ एक ही समुदाय ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का खेल कम से कम पंजाब में तो सफल होता नहीं दिखता। 5 दिन तक दिल्ली में पंजाब की पंचायत करवाने के बाद कांग्रेस के पिछले दरवाजे से जो बातें सामने आई उसका लब्बो लुआब ये था कि कैप्टन अपनी जगह बने रहें, लेकिन सिद्धू का कद भी उतना ही बड़ा कर दिया जाए कि दोनों बराबर दिखें। मतलब सिद्धू को कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाए। इस बात की भनक लगते ही पंजाब कांग्रेस में नया बवाल शुरू हो गया। क्या नया क्या पुराना, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबके सब कैप्टन के साथ आ खड़े हुए। और हाल ये है कि कल तक कैप्टन के खिलाफ रहने वाले प्रताप सिंह बाजवा तक अब कैप्टन के साथ हो गए। वजह सिद्धू हैं, जिन पर गांधी वाड्रा परिवार की खास कृपा है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कड़वाहट खत्म होती दिख रही है। प्रताप सिंह बाजवा को सीएम कैप्टन का धुर विरोधी माना जाता है। पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी में मचे घमासान के बीच इन दो नेताओं का साथ आने का मतलब है कि सिद्धू के लिए राह आसान नहीं होगी। बाजवा ने जो बातें कही उससे ये साफ जाहिर होता है कि सिद्धू के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बाजवा ने कहा कि जब वो कांग्रेस में आ रहे थे तो कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें रुकावट पैदा की थी। उस समय मैंने इनके लिए सिफारिश की थी। पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको अहम रोल दिया जाए, लेकिन शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए। बाजवा ने कहा कि आप पार्टी में आए हैं, कुछ समय दीजिए। जो भी रोल पार्टी देती है आप उसे निभाएं। सदस्य कमेटी के साथ ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनको रोल न दिया जाए, लेकिन जो पार्टी में लंबे समय से हैं और वफादार हैं, वरिष्ठ और सक्षम हैं, उनको मौका दीजिए। बाजवा जैसे दूसरे नेता जिनको कैप्टन के सीएम रहते साइडलाइन रखा गया, अब उनके बीच एक समझौता होता दिख रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस या सरकार में चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने से रोकने के लिए कैप्टन और विरोधी नेता, जिससे उनका 36 का आंकड़ा था, उनके बीच सहमति होती दिख रही है। इन नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की कमान पुराने कांग्रेसी के पास होनी चाहिए। कांग्रेस के पुराने और नए नेता जो साइडलाइन थे, अब वो साथ आ रहे हैं। इनमें कुछ राहुल गांधी के भी करीबी हैं। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक, लोकसभा में पार्टी के उपनेता और कुछ दूसरे नेता भी इसमें शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच सिद्धू की नजर प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी पर है। वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की माने तो उनको राज्य में डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, या फिर उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। फिलहाल अध्यक्ष पद दिए जाने को लेकर सिद्धू के पीछे प्रदेश कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खड़ा नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी
कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल होगा। खड़गे उस पैनल के अध्यक्ष हैं जो पंजाब कांग्रेस के पूरे मामले को देख रहे हैं। पूरे विवाद को खत्म करने के मकसद से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बनाई गई कमेटी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा हरीश रावत और जेपी अग्रवाल हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह आगामी 22 जून को दोबारा कमेटी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राम मंदिर जमीन खरीद के घोटाले का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह खुद घोटाले के धूल में फंसे हुए हैं। संजय सिंह पर पार्टी फंड में हेरा फेरी करने और माल गायब करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के ही नेता ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पर झूठे होने और राम विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता रत्नेश मिश्रा ने संजय सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगाए। रत्नेश मिश्रा ने खुद को आम आदमी पार्टी के यूथ ब्रिगेड का प्रदेश प्रवक्ता बताया और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों से उन्होंने नाराजगी जताई। अयोध्या में रत्नेश मिश्रा ने कहा कि जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाकर संजय सिंह राम मंदिर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। रत्नेश मिश्रा ने पार्टी आलाकमान की पोल खोलते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश था कि वो अयोध्या के संतों को राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करें। इस तरह से केजरीवाल बीजेपी को हिंदुओं के बीच ही बदनाम करना चाहते थे। गोंडा के रहने वाले रत्नेश मिश्रा ने कहा कि उन्हें अयोध्या पहुंचकर इसका एहसास हुआ कि संजय सिंह पाप कर रहे हैं, क्योंकि जमीन खरीद मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के हर पहलू पर जब उन्होंने चर्चा की तो सारे आरोप झूठे निकले। उन्होंने संजय सिंह पर ओछा बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रत्नेश ने बताया कि उनके पिता का निधन कार सेवा के दौरान ही हुआ था, इसीलिए उनसे ज्यादा आम आदमी पार्टी में शायद ही किसी ने राम मंदिर के लिए काम किया होगा। रत्नेश मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया कि संजय सिंह पार्टी का फंड खाते हैं और पार्टी का पैसा चुराकर ही उन्होंने सुल्तानपुर में एक आलिशान मकान बनवाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी फंड के रुपए चुराने वाले ने राम मंदिर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे मैं आहत हूं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। मैं उनसे मांग करूंगा कि संजय सिंह को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया जाए। रत्नेश मिश्रा ने संजय सिंह को चाटुकार बताते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी को भ्रष्टाचारी बना दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने न कोई घोटाला किया और न ही टैक्स चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें जांच के लिए भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह सीएम केजरीवाल तक किसी को पहुंचने ही नहीं देते हैं। हालांकि रत्नेश मिश्रा के बारे में ये दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने फरवरी 2021 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया जा चुका है। हाल ही में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बताया था कि उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इसके लिए मना किया तो मुख्यमंत्री बनाने तक का लालच दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। अब इस दिशा में यूपी की योगी सरकार ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मतलब साफ है कि यूपी में भी 2 से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में कानूनों को लागू करने के साथ सामाजिक परिस्थितियों एवं अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द ही वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदे की भनक लगते ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई और उसने अपनी सियासत की पोटली खोल दी। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उठाए जाए, लेकिन क्या यह राज्य का विषय है? यह तो एक राष्ट्रीय विषय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा,
कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसीलिए ऐसे शिगुफे छोड़ रहे जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर, खराब होती अर्थव्यवस्था पर और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सवाल करती है, तब आदित्यनाथ इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में विधि आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन क्या राज्य के विधि आयोग इसके लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है? दरअसल बीजेपी समझ चुकी है कि जनता बुरी तरह नाराज है, इसीलिए लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्य मुद्दों को भटकाने नहीं देगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 2017 में किए वादों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो कि 4.5 साल बाद भी वादे ही बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में गठबंधन में सरकार चला रही महाविकास आघाड़ी सरकार में खाई चौड़ी होती नजर आ रही। शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात करेगा तो जनता उसे चप्पल से मारेगी। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अब तो जनता ही यह तय करेगी। दरअसल शिवसेना ने अपने 55वें स्थापना दिवस पर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात की और इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर इशारों में तीखा हमला किया। उद्धव ने कहा अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग जूतों से मारेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले सभी चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। नाना ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि चप्पल की मार किसे पड़ेगी। नाना ने हाल ही में सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठा अस्मिता को पार्टी की प्राथमिकता करार दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा की घटना पर उन्होंने कहा शोर करने वालों को शिव सैनिक धमाकेदार जवाब देते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर खून खराबा शिवसेना कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एक सच्चा शिव सैनिक अन्याय का सामना करने वालों की मदद के लिए दौड़ता है। उद्धव ने आगे कहा कि हिंदुत्व किसी का पेटेंट नहीं है, हिंदुत्व हमारी सांस है, इसीलिए शिवसेना कार्यकर्ता पहले जय हिंद और उसके बाद जय महाराष्ट्र का नारा लगाते हैं। उद्धव ठाकरे के बयान का उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाले लड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने राजनीतिक बल पर चुनाव लड़े और जीते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की साख और शिवसेना के अस्तित्व की बात आएगी तो हम लड़ेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव जी ने यह बोला कि कोरोना के वक्त में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको। कांग्रेस के अपने दम पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में हृदय विदारक स्थिति है, लोगों का रोजगार गया, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, ऐसे में अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग जूतों से मारेंगे। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि महाविकास आघाड़ी बनने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, उन्हें वक्त आने पर राजनीतिक दवा दूंगा। सत्ता न मिलने पर कई लोग छटपटा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि एक साल में क्या किया, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे काम देख लें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया था कि राज्य का अगला विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। खास बात यह है कि पटोले ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। केवल कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इस बात के संकेत पहले से थे कि महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगी, और हुआ भी वही। महबूबा मुफ्ती 24 जून को आयोजित पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेंगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि गुपकार अलायंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होंगे। मतलब कि कहने को महबूबा बैठक में नहीं आएंगी, लेकिन गुपकार अलायंस के अध्यक्ष फारूक आएंगे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी गुपकार अलायंस का हिस्सा है। पीएम मोदी की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव और परिसीमन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा के लिए 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ बैठक में नहीं शामिल होने के लिए गुपकार के नेताओं के साथ इंटरनल वर्चुअल मीटिंग भी करेंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने कहा जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों की बैठक से पीडीपी की मीटिंग हुई। पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला किया है कि महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन के अंदर गुपकार गठबंधन के नेताओं की मीटिंग भी होगी और इस मुद्दे की चर्चा उस मीटिंग में भी की जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन नेताओं को बैठक में आमंत्रित करने के लिए उनसे संपर्क किया। आमंत्रित लोगों में 4 पूर्व मुख्यमंत्री,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। नेशनल कांग्रेस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गुपकार के नेताओं के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि पीडीपी ने यह निर्णय लिया है कि 24 जून को पीएम मोदी के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करेंगे। हालांकि पीडीपी प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने कहा कि पीडीपी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने तय किया है कि इस संबंध में अंतिम फैसला महबूबा मुफ्ती ही लेंगी। सभी सदस्यों ने उन्हें अधिकृत किया है। दो दिन में पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक होगी। इस मामले पर वहां भी चर्चा होगी। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि नई दिल्ली के साथ बात करने का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। मुझे बताया गया कि आम स्थिति की समीक्षा करने और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे कैसे ले जाया जाए, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके धारा 370 हटा दी थी और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ यह पहली बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र मुख्य धारा के राजनीतिक दलों तक पहुंच बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की अटकलों के बीच यह बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के नाम पर हर किस्म का उत्पात मचा रहे लोगों के खिलाफ दिल्ली के गांव व बॉर्डर से सटे हरियाणा के गांव के किसानों ने अब मोर्चा खोल दिया है। किसानों की महापंचायत में किसान प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम दिया गया, वो 10 दिन के अंदर सिंघू बॉर्डर को खाली करें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सोनीपत के सिरसा में हुई इस महापंचायत में दिल्ली के 12 गांव और हरियाणा के 17 गांव के किसान व अन्य लोग शामिल हुए। महापंचायत के अध्यक्ष का कहना है कि हमारी 3 मांगे हैं। एक तरफ से सिंघू बॉर्डर खोलें, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स नहीं लगाने चाहिए। इस महापंचायत का विशेष कारण किसानों की तरफ से लगातार बॉर्डर पर बढ़ रही हिंसा की घटनाएं हैं। ताजा घटना की बात करें तो टिकरी बॉर्डर पर मुकेश नाम के एक युवक को जलाकर मार डाला गया था। इसके अलावा कई बार छोटी मोटी झड़प की घटनाएं भी हुई। इन्हीं सब से नाराज होकर ग्रामीणों ने घोषणा की थी कि वह 36 बिरादरी की महापंचायत करेंगे और आंदोलन के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। ये पंचायत जाटी रोड सिंघू स्कूल के पास सिरसा गांव की बारात घर में हुई। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आंदोलन कर रहे किसानों ने जिस मुकेश को जलाकर मार डाला, वह कहता था कि किसान आंदोलन के किसान ब्राह्मण विरोधी मानसिकता वाले हैं और मुकेश की जान भी इसी मानसिकता ने ली। मुकेश के गांव के सरपंच टोनी कुमार ने इस बात को स्पष्ट बताया था कि मुकेश को जलाया गया, उसी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया था। इन कथित किसानों के शराब पीने और उत्पात को लेकर मुकेश के परिजनों के अलावा सरपंच टोनी कुमार और अन्य ग्रामीणों ने भी शिकायतें की। ग्रामीणों का कहना है कि ये किसान उनके खेतों में शौच के लिए आते हैं, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है। ये गांव में आकर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, ट्रैक्टर्स पर घूमते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। इन्हें तुरंत प्रभाव से गांव कसार की परिधि से हटाया जाए। इस महापंचायत के आयोजन से जुड़े संदीप ने कहा, किसान करीब 7 महीने से नेशनल हाईवे पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिसके कारण गांव के लोगों के अलावा बॉर्डर की सड़कों पर दुकानदार, आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री मालिकों और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। संदीप ने बताया कि लगातार आसपास के गांव के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों पास के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के हाथ काटे जाने की भी खबर है। उनके अनुसार कई बार किसान संगठनों से वे लोग मांग कर चुके हैं कि वह आंदोलन जारी रखें, बशर्ते नेशनल हाईवे के एक हिस्से को खोल दे ताकि लोगों को परेशानी न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के खास शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा कि शिवसेना को बीजेपी के साथ रहने में ही फायदा है, नहीं तो शरद पवार पूरी तरह शिवसेना को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। शरद पवार पर जो आरोप प्रताप सरनाईक ने लगाए हैं, कुछ वैसा ही शरद पवार कांग्रेस के साथ कर रहे हैं।
कांग्रेस के कई नेताओं को वे गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर एनसीपी में शामिल कर चुके हैं। हालांकि पवार ने ऐसा ही शिवसेना के साथ भी करने की कोशिश की थी, तब शिवसेना के कई पार्षदों को एनसीपी में शामिल किया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के भड़कने के बाद एनसीपी ने सभी पार्षदों को वापस शिवसेना में भेज दिया, लेकिन उस बात की कसक शरद पवार के मन में अब भी है, लेकिन सत्ता की मजबूरी की वजह से वे खामोश हैं। अपने पत्र में प्रताप सरनाईक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिल जाएंगे तो शिवसेना फायदे में रहेगी। उन्होंने गठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पत्र 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना खुद का सीएम चाहते हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष समर्थन प्राप्त है, क्योंकि एनसीपी नेताओं के पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी है। प्रताप सरनाईक ने पत्र में आगे कहा कि हम आप पर और आपके नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो बेहतर होगा। अगर हम एक बार फिर साथ आ गए तो यह पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। उद्धव को लिखे पत्र में प्रताप सरनाईक ने कहा कि बिना किसी गलती के सेंट्रल एजेंसियां हमें निशाना बना रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। यह कार्यकर्ताओं की भावना है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन हुआ तो उसका फायदा शिवसेना को होगा। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को लेकर भाजपा की राजनीति थम नहीं रही है। शनिवार की सुबह भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और ठाणे शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक निरंजन डाव खरे के नेतृत्व में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के करीब मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान उन्होंने विधायक सरनाईक को मिस्टर इंडिया बताते हुए कहा कि वह गायब है। इससे पहले ओवला माजीवाड़ा परिसर में भाजपा की तरफ से विधायक की गुमशुदगी को लेकर पोस्टर लगाया गया था। थाने के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने के बाद ईडी ने उनके घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। उसके बाद से सरनाईक के भूमिगत होने का आरोप भाजपा लगातार लगा रही है। सरनाईक का कहना है कि राज्य और केंद्र के संघर्ष के बीच वे पिस रहे हैं। सरनाईक ने उनके गायब होने के भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई के बाद से अदालती प्रक्रिया शुरू है, वे इसी में व्यस्त हैं। इसको लेकर विरोधी बिना मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।